यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी की बहुत बड़ी खेती। ये है ब्रोकली और ये है स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे ही आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी मिलेंगे। यहाँ पे पीछे खेत और यहाँ पे हम खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। मुझे तो लगता है वो जो हम पब में मॉकटेल्स वगैरह लेते हैं ना, ये सब इधर से ही लेके जाते होंगे, है ना। फ्रूट के चॉकलेट्स है इसमें, और इसकी प्राइस है ऑर्डर सर। हम आए हैं चीज़ फैक्ट्री में, योर लोकल काउ मिल्क की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी मॉर्निंग नहीं है, आफ्टरनून है इसलिए। तो अभी हम आए हैं मैप्रो गार्डन में, और मैप्रो गार्डन के बाजू में ही यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी की बहुत बड़ी खेती। तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसको प्लग करना अलाउड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तीन महीने आप यहाँ पे आके स्ट्रॉबेरी प्लग कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। फिलहाल वो छोटी छोटी है तो उसको हाथ वगैरह लगाना अलाउड नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि स्ट्रॉबेरी की खेती कैसी रहती है। और यहाँ पे ब्रोकली वगैरह भी लगाया है उन्होंने, क्योंकि उनके लिए तापमान भी ठंडा चाहिए, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी की खेती होती है महाबलेश्वर में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अभी फ्रेश फ्रेश छोटू छोटू अच्छे एकदम लाल स्ट्रॉबेरी। ये है ब्रोकली और ये स्ट्रॉबेरी लगे हुए, वो अभी तक अच्छे से पके नहीं है, जब पक जाएंगे तो तोड़ सकते हैं। और ये पूरी खेती है स्ट्रॉबेरी की, और बीच बीच में उन्होंने ब्रोकली भी लगाई है यहाँ पे। और यहाँ पे ही आपको फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी मिलेंगे। ये यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरी ये जो है ना, ये पूरी पूरी खेती स्ट्रॉबेरी की है, और बीच बीच में उन्होंने ब्रोकली वगैरह लगाई है। ये अभी छोटे से प्लांट है, इसको अभी स्ट्रॉबेरी आने की है। इस साइड भी कितना सुंदर है यार। ये पूरी खेती स्ट्रॉबेरी और मलबेरी की है। ये ऑर्गेनिक है, और ये वाला केमिकल वाली है। मैंने खाई है केमिकल वाली। ऑर्गेनिक कौन सा है? ऑर्गेनिक है, पूरा खट्टा है। यहाँ पे पीछे है खेत, और यहाँ पे हम खा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। कितने दिवस रहे? हे 4-5 दिवस राहतं फ्रीजमध्ये ठेवलं, पाला काढून 15-20 दिवस राहतं पाला काढायचं। ओके, तो अभी हमने फार्म से एकदम फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, आपको मेरे पीछे फार्म देख रहा होगा वहाँ से। और अभी हम जा रहे हैं मैप्रो गार्डन में, मैप्रो गार्डन में देखते हैं, कुछ जाम वगैरह लेना है मुझे, या टोमेटो सॉस। और हाँ, उधर का है ना सैंडविच बहुत फेमस है, और स्ट्रॉबेरी क्रीम भी बहुत फेमस है, तो वो भी खाएंगे। तो चलते हैं मैप्रो गार्डन। अभी हम जा रहे हैं मैप्रो गार्डन के अंदर। हाँ ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी वाला है, ऊपर से वैनिला,
ब्लू लगून वगैरह मिलता है ना रुटन के, इससे बनाते होंगे। कौन सा ये? ये केसर है और ये केसर वाला था मेरे रेडीमेड है ये, फ्री में मिलता है यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। मैं तो सभी टेस्ट करूंगी। शरबत ये रोज 450 का है। हाँ बटर कैश्यू कुकी कॉइन अच्छा कुकीज है। कितने की है? कांच की ये है, 300 की है। ओट्स जैगरी हेल्दी वाली है, दुदम के लैंग्वेज में हेल्दी वाली कुकी है ये। कैम लेना है अपने घर के, छोटा ही मिलेगा तो इससे 198 का ही है दुदम में। हाँ तो 1 किलो का है वो, 234 का 198 में से। क्या तीन ये मिक्स कुकी चाहिए? ले ले, ये ले लेती हूँ, अगर आगे मिला मुझे छोटा वाला तो ये रखना। कितना एक्सपायरी देखना सिर्फ। हम जब घर पे यूज करते हैं हम यूजुअली यही यूज़ करते हैं कि रुतम को भी खस वाला अच्छा लगता है और मुझे भी खस वाला अच्छा लगता है और ये बहुत टेस्टी रहता है। ये स्ट्रॉबेरी वाला, ये बटर स्कॉच, ये ताजी जो हमने अभी फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली ना उसका भी घर पे ऐसा बना सकते हैं रुतम, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो मिक्स फ्रूट चॉकलेट्स है, जेली टाइप सब फ्रूट के चॉकलेट्स है इसमें और इसकी प्राइस है 225 रुपीज़, जो मुझे नहीं लेना। तो तुम ये वाला चॉकलेट बोल रही थी, इसमें है ना स्ट्रॉबेरी जेली वाला है, मेड विद रियल फ्रूट, नो केमिकल, नो ट्रांसफर, नो आर्टिफिशियल कलर्स। ये है फलेरो के, ये स्ट्रॉबेरी जेली रहती है इसके अंदर, तो ये दो ले लेते हैं ठीक है। एक करण के लिए लेना है, इसकी प्राइस है 117 ठीक है। एक मेरे लिए, एक घर के लिए ठीक है। ओके रुतम कार्ड सामान लिया। रश्मि कितना लिया पता है मुझे? कितना लिया मैंने ही बिल पे किया है। तुम पूछ क्यों रहे हो फिर? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों लिया वो, क्यों लिया? मुझे लेना था यार। ये चॉकलेट्स कितना खाओगे? मुझे अच्छा लगते हैं मैप्रो के चॉकलेट, और जेली टाइप रहता है ना तो मुझे अच्छा लगता स्ट्रॉबेरी। तो मैप्रो गार्डन में हमने ऑर्डर किया यहाँ का फेमस क्लासिक सैंडविच और स्ट्रॉबेरी क्रीम। यहाँ का सैंडविच बहुत टेस्टी रहता है और स्ट्रॉबेरी क्रीम मैं तो मैप्रो का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। कल मैंने बगीचा का ट्राई किया तो उधर का मुझे पसंद आया, अभी ये देखती हूँ ट्राई करके। पहले सैंडविच बहुत टेस्टी, बाकी जहाँ पे मतलब उधर का जो खाया था उससे भी टेस्टी है ये वाला। तो अभी हम ये एंजॉय करते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। मैप्रो गार्डन के
बाद अभी हम आए हैं चीज़ फैक्ट्री में। ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ महाबलेश्वर में आने के बाद। आई डोंट नो कि ये नई लगी है कि पहले से ही है। तो अभी हम जाएंगे चीज़ फैक्ट्री और मैं दिखाती हूँ वहाँ पे क्या क्या मिलता है। ऑब्वियसली बात है चीज़ तो मिलेगा ही, लेकिन मुझे देखना है कि वहाँ पे हर टाइप्स का चीज़ मिलता है कि एक ही टाइप्स का चीज़ मिलता है। तो वो अंदर जाके देखेंगे। ये यही पे बनता है क्या चीज? ये भी स्प्रेड से सारे? हाँ, ये चीज स्प्रेड है, पूरी जाम है वो चीज नहीं है कि क्यूब और क्यूब नहीं है, सिर्फ ऐसे स्प्रेड में ही है क्या? ब्लॉक्स भी देंगे ना ऊपर रहेंगे ऊपर। कैसे और कौन से फ्लेवर है? क्लासिक है ये वाला, गार्ली पेरी जैक, इंडियन समर, नी स्मोकी। ये वाला देखो, ये वाला रिदम सब यहाँ पे क्यूब वगैरह नहीं है, वो स्प्रेड है। यहाँ पे घी भी मिलता है भाई यहाँ पे, योर लोकल काउ मिल्क घी, हैंड क्राफ्टेड घी ये पूरा मिलता है रुदम के साथ। और ये देखो, ये अगर लिया तो इसके ये भी मिलेगा सर। उसमें प्लेन भी आता है, ये भी और बड़े वाले पैकेजिंग भी है, जैसे फ्राई कर, ये सस्ता पड़ेगा आपको। कितना? 255। कितना है ये वाला, मतलब क्या इसको ग्राम वगैरह क्या? 300 ग्राम। मावा केक। ये हल्का क्यों इतना? वेलवेट केक है इसलिए तो 150 ग्राम है, ये 300 है। ये लेना है ना इतने से? और कितने दिन रहेगा? 8 दिन। फ्रिज में भी रहेगा ना? विदाउट फ्रिज दोनों। कुकीज में ऐसे कौन से, मतलब बीहू से या फिर मतलब हेल्दी में? ऐसा हेल्दी में हमने तो रागी कुकीज है, ये वाले होल व्हीट के आटा यूज किया है, मल्टीग्रेन है, रागी वाला भी अच्छा है। और ये जो नीचे के ये रस्क बोलते हैं इसको, रागी पोटैटो टोस्ट है। ये चाय के साथ नहीं, ऐसे खाना चाय के साथ भी खा सकते हो, फिर आप चीज के साथ भी खा सकते हो। ये मैदे के होंगे ना? हाँ, वो फुल मैदा है। और ये कौन सा वाला है? कॉफी वॉलनट के, कॉफी वॉलनट वाला है। इसका क्या प्राइस है? 90 वो ले लेते हैं। एक मिनट रुक रश्मि, गाड़ी पे क्या लिखा है? हुसैन माला। ये वाली गाड़ी पे भी लिखा है, ये तो वो जैसे मैप्रोज है वैसे मालाज वाला है, उसकी गाड़ी है। यहाँ पे लिखा है हुसैन मालाज, हुसैन माला। तो चीज़ फैक्ट्री में इतना खास कुछ मुझे लगा नहीं, वही स्प्रेड थे वहाँ पे, चीज़ स्प्रेड। मतलब ठीक है, वन टाइम आप यहाँ आके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हनी वगैरह भी मिलता है फ्रेश, और केक्स भी मिलते फ्रेश। जो हमने मावा केक लिया है यहाँ का, ये आज ही बना हुआ है और बहुत फ्रेश है, अभी घर जाके टेस्ट करेंगे इसको। तो
अच्छा है, वन टाइम आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी तो मैंने कुछ यहाँ से ख़रीदा नहीं है जितना मैंने मैप्रो से ख़रीदा। मैप्रो में तो बहुत वैरायटी है कुछ भी चीज़ों ख़रीदने की, और यहाँ पे भी दो तीन वैरायटी आपको मिल जाएगी, जैसे चीज़, हनी, केक वगैरह। पर बस ऐसा था हमारा, अभी यहाँ का जो जर्नी है वो फिनिश होने वाला है महाबलेश्वर का, और हम वापस जाएंगे अपने घर। तो मैं मेरा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सो कि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।